दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा और एजे तंत्र चिकित्सा दोनों में। ठीक है, ये जो वीडियो है मैं दोनों चैनल्स पर डालूंगा और आपको देखना पड़ेगा दोनों। तो देखो, इसका ये जो नुस्खा है ये है आपका स्वप्न दोष के ऊपर। स्वप्न दोष जिन लोगों को होता है उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है। अगर इसे बना के तैयार करके अगर गले में डाल लो या बाजू में बांध लो तो मतलब स्वप्न दोष नहीं होगा। ये एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है। जिस तरह से हमने बताया था धतूरी की जड़ के बारे में, उसी तरह का ये नुस्खा है। बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो जिन लोगों को समस्या है कि स्वप्न दोष होता है या फिर मतलब बहुत बार स्वप्न दोष होता है, उनके लिए ये टॉप वीडियो है। मोस्टली उन्हीं के लिए है। बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको स्वप्न दोष होता है, परेशान है दवाइयाँ खा खा के। दवाइयाँ खाते हैं, नशीली दवाइयाँ खाते हैं लेकिन उनसे लाभ नहीं मिलता, लेकिन इससे लाभ मिलेगा बहुत ही। तो मैंने इसे वैसे बनाना पड़ता है, इसे लिखना पड़ता है। मैंने पहले से ही लिखे तैयार कर लिया है तो मैं आपको दिखा दूँगा वो। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कब इसे यूज़ करना है, कब इसे बांधना है। तो आपको सबसे पहले लेना है देखो सिंदूर। कौन सा सिंदूर? हनुमान जी के कुक्का कोई मंदिर हो उस पर, जहाँ पे सिंदूर पूरे शरीर पे लगा होता है हनुमान जी के, तो उनकी जो जांग का सिंदूर होता है वो जांग का सिंदूर लेके आ जाओ और उसी से एक कलम बनाओ पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ जिसकी हम पूजा करते हैं, जो लोग सब पूजा करते हैं। अगर इसे कर लिया तो भाई मेरे, आप ये मत सोचना कि एजे भाई ऐसी बातें कर रहा है, 1000% लाभ होगा ऐसे समझ लो। ठीक है, और मुझसे मंगाना हो मुझसे मंगा लेना, मैं बना के दे दूँगा। तो इधर मेरा पीपल का पेड़ है इसलिए हाथ जा रहा है। तो देखो, पीपल के पेड़ की एक कलम बनानी है, उसे छील के, और जो सिंदूर लेके आए हो उससे इस नुस्खे को, जो मैं नुस्खा दिखा रहा हूँ आपको, ये जो नुस्खा है इसको आपको बना के तैयार कर लेना है। इसको बना के तैयार कर लेना है, बना के तैयार कर कम से कम। और दिन कौन सा होना चाहिए? मंगलवार वाला, मंगलवार वाला दिन होना चाहिए। मंगलवार को इस नुस्खे को बना के, इस तंत्र को बना के एक सादा साफ पेपर पे, और इसको फोल्ड करके मोड़ के किसी तावीज़ में या फिर किसी कपड़े में सिलवा के, लाल कपड़ा हो उसमें सिलवा लो। तावीज़ हो तो अष्ट धातु का चल जाएगा, चांदी का चल जाएगा, चांदी का ले आना मार्केट से। उसमें पिरो के बंद करके और लाल धागे में डाल के गले में डाल लो या फिर बाजू में बांध लो। और अगर कपड़े में सीना चाहते हो तो लाल ही कपड़ा होना चाहिए, उसमें सिलवा के और बांध लो अपनी बाजू में। मम्मी पे बंधवा लो या छोटी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई उस पे बंधवा लो, बस काम हो गया। यही नुस्खा है, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो ये नुस्खा ध्यान से देख लो, इस नुस्खे को मैंने बना के तैयार किया है और आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे बना के यूज़ करो मंगलवार वाले दिन और मुझे बताना ज़रूर कि इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, बस चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है।